कल रात में ही शाम के समय रिजल्ट आ गया था, तो तब से घर में बहुत खुशी का माहौल है। सर खाना नहीं खा पा रहे हैं, खुशी में सो नहीं पा रहे हैं। मेरे सपने के साथ साथ उनका सपना भी पूरा हो गया है। अच्छी टॉपर बन गई हैं आप, पहला रिएक्शन क्या है? सर बहुत खुशी हो रही है क्योंकि रैंक वन लाना मेरे लिए एक्सपेक्टेड नहीं था, तो सर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत प्राउड भी फील हो रहा है कि सर मैंने टॉप किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो आज सुबह से क्या माहौल है घर में, लोग कैसे खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं? सर कल रात में ही शाम के समय रिजल्ट आ गया था, तो तब से घर में बहुत खुशी का माहौल है। सर खाना नहीं खा पा रहे हैं, खुशी में सो नहीं पा रहे हैं, तो सर अलग ही एक्साइटमेंट है और सर बहुत खुश हैं सब आज, क्योंकि मेरे सपने के साथ साथ उनका सपना भी पूरा हो गया है। अच्छा, रायसेन जैसे छोटे कस्बे से आप निकल के आज ये एमपीएससी का टॉपर का मुकाम हासिल किया है, कितनी मेहनत करना पड़ी, कैसे क्या थोड़ा अपने बारे में बताइए ना। जी सर, रायसेन में मैंने प्राइमरी स्कूलिंग हुआ है, फिर उसके बाद सर मेरा जो जवाहर नवोदय विद्यालय बाड़ी में चयन हो गया था, वहाँ मेरी स्कूलिंग अच्छी रही, और उसके बाद सर मैंने एक्सीलेंस भोपाल से अपना ग्रेजुएशन किया। तो सर जर्नी में मेरा यह रहा कि जब नोट्स वगैरह मिलते थे कुछ कंटेंट ज्यादातर, तो सर वो हिंदी मीडियम में मिलता था और मेरा मीडियम जो है वो मेंस का इंग्लिश रहा है, तो मुझे कई बार ट्रांसलेट करना पड़ता था, सेल्फ नोट्स बनाने पड़ते थे। तो सर वो चैलेंज तो था ही, पर चैलेंज के साथ साथ मेरे लिए एक फ्रूटफुल था कि मैं अपने नोट्स खुद बनाई, खुद से लिखा मैंने, और फिर उसको मुझे याद भी हो जाते थे वो, तो मेरे लिए चैलेंज और जो मेरी अपॉर्चुनिटी है वो एक जैसी ही थी। अच्छा, जो बच्चे और तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी यूपीएससी की, उनके लिए क्या संदेश है, किस तरीके से वो इंटरनेट का यूज करें या कैसे कितने घंटे पढ़ाई करें वो? सर मेरा सभी एस्पिरेंट्स को यही संदेश है कि आप जो एग्जाम है उसके ओरिएंटेड ही पढ़ें। एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन की मतलब पूछे जा रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा बल्क स्टडी ना करते हुए स्मार्ट स्टडी करें, बहुत सिलेक्टिव कंटेंट पढ़ें, क्यों? और वो सिलेक्टिव कंटेंट पढ़ने का तरीका है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करें। तो सर प्रीलिम्स के समय भी यदि कई बार मेरे पास सर जैसे कि 22 के प्रीलिम्स के समय ही मेरे पास मात्र 15 दिन का समय था, तो अपने सिलेक्टिव कंटेंट को पढ़ें और बार बार रिवाइज करें। अच्छा एक मिनट, आपके जो सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको बताया कि आपकी कोचिंग मध्य प्रदेश शासन की योजना थी ओबीसी छात्रों के लिए, उसका कैसे फायदा उठाया? सर जून 18 में मुझे पता चला कि जो पीजीए है, पीजीए एसोसिएशन मध्य प्रदेश शासन के द्वारा था, उसमें टीचर्स उन्होंने अपॉइंट किए थे कॉन्ट्रैक्ट पर, और उन्होंने पढ़ाया था वहां पर, एमपीपीएससी का गाइडेंस दिया था 6 मंथ का प्रीलिम्स ओरिएंटेड, तो वहां से मैंने अपना गाइडेंस लिया और वहां से मुझे सिलेबस समझ में आया, एग्जाम की नीड समझ में आई, और मैंने प्रीलिम्स के साथ ही मेन्स के टेस्ट लगाना तभी से शुरू कर दिए थे। तो सर मेरा कंटिन्यू अभी छह साल का जर्नी रहा, तो मेरा मेंस में फोकस रहा था। परिवार के बारे में बताइए, कितने भाई बहन हैं, कैसे आप परिवार में रहते हैं? यस सर, सर मैं रायसेन के नरवर ग्राम की निवासी रही हूँ, वहाँ मेरा जन्म हुआ है, और मेरे परिवार में माताजी हैं, पिताजी हैं, और हम 5 बहनें हैं और एक छोटा भाई है, और अभी सर वर्तमान में हम 5 बहनें ही शासकीय सेवा में कार्यरत हैं, और छोटा भाई भी अभी तैयारी कर रहा है। एकलव यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।